हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, पेज नंबर 149 का। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें आइडेंटिटी 4 के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेनली आइडेंटिटी 4 के ऊपर क्वेश्चन है। कंसीडर द स्पेशल केस ऑफ आइडेंटिटी 4 विथ ए इज इक्वल टू माइनस सी एंड बी इज इक्वल टू माइनस सी, व्हाट डू यू गेट? इज इट रिलेटेड टू आइडेंटिटी 2? तो आइडेंटिटी 2 क्या है, ये आइडेंटिटी 4 है। तो आइडेंटिटी 2 क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अभी हम इस पे इस वैल्यू पे माइनस सी डाल के देखेंगे, और ए और बी के वैल्यू पे माइनस सी डालेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, ए के जगह पे माइनस सी डालेंगे, तो प्लस और माइनस मिलके माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, बी के जगह पे भी डालेंगे, तो एक्स माइनस सी अगेन हो गया। तो ये जो आपका बना दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर बना। ओके, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी माइनस सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, इस तरह से आएगा। और फाइनली आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी 2। दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी 2। ठीक है, इज इट रिलेटेड टू आइडेंटिटी 2? यस, इट इज रिलेटेड टू आइडेंटिटी 2। विल गेट द आइडेंटिटी 2 इफ वी विल पुट ए इज इक्वल टू माइनस सी एंड बी इज इक्वल टू माइनस सी, वी विल गेट आइडेंटिटी 2। ओके, तो सेम वे अभी 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द स्पेशल केस ऑफ आइडेंटिटी 4 विथ बी इज इक्वल टू माइनस ए, व्हाट डू यू गेट? इज इट रिलेटेड टू आइडेंटिटी 3? तो अभी हमें, तो ये आपका मैंने यहाँ पे लिख दिया जो आपका आइडेंटिटी 4 है। ठीक है, दिस इज आइडेंटिटी 4। अभी हमें देखना है कि यहाँ पे इस वैल्यूज पे अगर b पे माइनस ए डालते हैं तो क्या होगा। तो x प्लस ए और मल्टीप्लाइड बाय x प्लस माइनस b माइनस a होगा। ठीक है, b इज इक्वल टू माइनस ए तो माइनस a। तो यहाँ पे करने से क्या हो रहा है, तो प्लस माइनस मिला के माइनस हो रहा है, यानी कि x प्लस ए और x माइनस ए। तो इसका वैल्यू क्या है, आपका एक्स के साथ पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स के साथ ए को माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए एक्स। ठीक है, फिर ए के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, यहाँ प्लस है ना, तो प्लस होगा प्लस ए एक्स, और फिर आपका ए के साथ ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस है। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये दोनों सेम है इसलिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये इस फॉर्म में फाइनली आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेटेड टू आइडेंटिटी, व्हाट डू वी गेट, वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी 3। ओके, इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी 3। तो इस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ सॉल्यूशंस के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।